सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा पुनः उपलब्ध हो गया हूँ आप सभी के समक्ष अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। हमारे बागवान हमेशा से ये बात करते हैं कि हमारे पौधे मर रहे हैं और पौधों के मरने का सही कारण न जानने के वजह से पौधे लगभग मर ही जाते हैं। इन सभी बातों को लेकर आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से हमारे पौधे मरने लगते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि पौधों के मरने का जो कारण है वो ओवर वाटरिंग है। यदि हम लोग पौधों में ज़्यादा पानी डालेंगे और पौधे अभी जड़ से सेट नहीं हैं तो पौधों का मरने का सबसे पहला कारण तो यहाँ पर है। यदि हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि पौधे अभी सेट नहीं हैं और ज़्यादा पानी डाल रहे हैं तो जड़ ज़्यादा पानी अभी लेने के लायक नहीं है और वो रूट रॉट होने के वजह से, जड़ सड़ने के वजह से पौधे अचानक से डाउन हो जाते हैं। तो ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि पौधों को चलने के साथ ही उनकी ज़रूरत को देखते हुए हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि उनकी पानी की मात्रा को बढ़ाया जाए। पानी की मात्रा को लेकर बातचीत आगे भी बहुत सारे वीडियो में होगी और इस बारे में एक पूरी श्रृंखला चलाई जाएगी कि पौधों का क्या क्या कारण है उनके मरने का, लेकिन आज की कड़ी में हम लोग अति महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि पौधे क्यों मर रहे हैं। जहां एक ओर पौधों के मरने का कारण ज़्यादा पानी है, वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें तो पौधों के मरने का ये भी एक कारण हो सकता है कि मौसम में काफ़ी आर्द्रता है और ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर हवा में उपलब्ध नहीं है, तो इस कारण से भी पौधे मर सकते हैं, लेकिन ये पौधे के सेट होने के बाद की स्थिति है। इससे आगे की कड़ी में बात करते हैं कि पौधों के मरने का और क्या कारण है। पौधों के मरने के कारण में से यदि हम लोग देखें तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना, ज़्यादा खाद देना, ये भी एक कारण होता है। पौधों के संपूर्ण ज़रूरत के लिए ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि पौधों को उत्तम किस्म का सॉयल मिक्स डाला जाए, न कि सिर्फ खाद, क्योंकि यदि पूरे पौधों के चलने के क्रम में यदि पोषक तत्वों की ज़रूरत है और उसमें यदि हम लोग सिर्फ एक तरह का खाद पौधों की फीडिंग को करते हैं तो इससे भी पौधे ख़राब होने लगते हैं उनकी ज़रूरत की पूर्ति ना होने से। वहीं दूसरी ओर यदि खाद हम लोग कच्चा रखेंगे या फिर ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो भी हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। मौसम के वजह से पौधों में स्ट्रेस आता है और यदि हम देखें तो सर्दी, गर्मी और बारिश में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होने पर, अत्यधिक बारिश होने पर, अत्यधिक गर्म हवा के चलने पर और अत्यधिक ठंड होने पर भी पौधों में स्ट्रेस आता है और इस कारण से भी पौधे ख़राब होते हैं। ज़रूरत इन बातों का है कि पौधों को इन विपरीत परिस्थिति के समय में बचा लिया जाए और यदि काफ़ी ठंड है तो उनको ज़रूर से पॉलीथीन की सीट से या कोई भी इस तरह की तरकीब से उनको ढक दिया जाए। वहीं गर्मी में ग्रीन शेड नेट लगाया जाए और यदि वर्षा काल है तो आप ज़रूर से ये ध्यान रखें कि आपके पॉट में कहीं कोई पानी जमा तो नहीं हो रहा है। पौधों के चलने के क्रम में हम लोग ये भी देखते हैं कि पौधे कहीं गलत तरीके से पानी दिए जाने के कारण भी तो ख़राब नहीं हो रहे हैं। गलत तरीके से पानी देने का यहाँ पर आशय है कि यदि हम लोग पानी दोपहर के समय में, काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्म है और उस समय में यदि पानी डाल दें तो भी ऐसा हो सकता है, या फिर ज़्यादा पानी डालकर पूरे गमलों को भरकर हम लोग यदि छोड़ दें तो भी ऐसा हो सकता है और इस कारण से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। वहीं यदि हम सर्दियों की बात करें तो काफ़ी रात्रि के समय में यदि हम लोग पानी डालेंगे तो भी ऐसा हो सकता है कि पौधे ख़राब होने लगे। पौधों को पानी देने की बात यदि चल रही है तो ये जानना ज़रूरी है कि पौधों को पानी इतना दिया जाए जिससे कि मिट्टी में 10% से लेकर 30% तक का मॉइस्चर बना रहे, बहुत ज़्यादा कीचड़ ना हो। कुछ एक पौधों की बात करें तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो वो वाटर वाले प्लांट्स होते हैं, उनको हम ज़्यादा पानी भी दे सकते हैं, लेकिन किसी भी प्लांट में ध्यान देने की बात है कि जड़ उनका सड़े नहीं और पौधे अच्छे चलें। और आज बात चल रही है पौधों में क्या कारण है कि पौधे मरने लगते हैं, तो इस कारण से हम लोग बात कर रहे हैं कि पौधों के चलने के समय में यदि हम ये ध्यान दें कि यदि अब पौधे सुषुप्तावस्था में जाने को हैं, डोरमेंसी में जाने को हैं और उस समय में यदि हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा पौधों के न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का तो भी ऐसा हो सकता है कि पौधे जब सुषुप्तावस्था में हों तो वो मरने लगें। इसलिए ज़रूरत इन बातों को समझने की है कि जब भी कोई पौधा सुषुप्तावस्था में जाने को हो उससे पहले ज़रूर से उसे
रिचार्ज कर दें, जिससे कि प्लांट्स आपके अच्छे चल सकें। इससे अगली कड़ी में ये जानते हैं कि पौधे हमारे पास नर्सरी से छोटे पॉट में आते हैं, और छोटे पॉट में आने के कारण हम यदि बहुत लंबे समय तक अपने घर में इसी तरह की तरीके से उनको रखेंगे तो भी पौधे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इन बातों को समझने की है कि यदि बड़े पौधे हैं, उनका यदि चाल बड़े पौधे में से आता है, तो आप ज़रूर से उनको रिपोर्ट कर दें। और रिपोर्ट के लिए ध्यान रखें कि अच्छे से पॉट फिलअप करें, जिसमें कि वाटर लेयर और एयर लेयर बनाना ज़रूरी है। यदि जड़ में सेट होने के बाद अच्छे से पानी जमा होने लगेगा तो समझिए कि आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। और यदि आपके पास जड़ में ऊपर नीचे तक में अच्छा वातावरण नहीं होगा, अच्छा वेदर कंडीशन नहीं होगा, तो भी पौधे ख़राब होंगे। ज़रूरत इन बातों को समझने की है कि हम अपने पौधों को अच्छे से देखभाल करके लगाएं और चलाएं, जिससे कि पौधे अच्छे चल सकें। पौधों का चलना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने उनको नेगलेक्ट तो नहीं किया है, देखभाल में कोई कमी तो नहीं की है। यदि आपने पौधों के साथ बराबर अंतराल पर उनका देखभाल किया है तो भी पौधे अच्छे चलेंगे। और पौधे अच्छे चलने का यह भी कारण होता है कि आपके साथ उनका लगाव भी होता है। लेकिन कुछ एक पौधे हैं जिनका सीजन अब ऑफ होने लगता है, तो वो पौधे अपने आप ही डाउन होने लगते हैं, चाहे आप लाख उनका ध्यान रखें। और इनमें से एक जैसे अभी कोचिया का है, तो मौसम में परिवर्तन आने की वजह से ये बिल्कुल भी डाउन हो रहा है। और जब काफ़ी गर्मी होती है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तब तक ये पौधा काफ़ी अच्छा चलता है। लेकिन जैसे जैसे ठंड की ओर मौसम में परिवर्तन आने लगता है तो ये पौधा भी डाउन होने लगता है। तो डाउन होने वाले पौधे ये सीजनल हैं, लेकिन कोई एनुअल प्लांट है यदि वो डाउन हो रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि उनको ज़रूर से रिचार्ज कर दें, उनकी मिट्टी को ज़रूर से रिचार्ज कर दें। तो आज की जानकारी बस यहीं तक। अब हम लोग पुनः मिलेंगे नई जानकारी को लेकर। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।